सो गाइस इस वीडियो को बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी के रिलेटेड टॉप 10 अपडेट्स। यहाँ दोस्तों रोज की तरह आज भी कबड्डी के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स निकल के आई है, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा चैनल 35 के सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 700 सब्सक्राइबर और चाहिए। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कबड्डी की रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेगी। तो गाइस जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला अपडेट निकल के आता है बंगबंधु कप 2021 के रिलेटेड। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कल यानी कि 28 मार्च से यहाँ पे बंगबंधु कबड्डी कप 2021 स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे मैंने आपको मैच नंबर 1 की रिजल्ट बताई थी। अब यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या था, जो मैच नंबर 2 था वो डिले हो गया था और उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया था। तो गाइस यहाँ पे जो दोनों ही मैचेस उसके रिजल्ट हमें मिल चुकी है, मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट बता देता हूँ। तो जो पहला मैच था वो खेला गया था बांग्लादेश वर्सेज पोलैंड के बीच, जिसमें बांग्लादेश को 40 पॉइंट्स मिले थे एंड वहीं पे पोलैंड को 22 पॉइंट्स मिले थे। और यहाँ पे बांग्लादेश जो पहला मैच है वो 18 पॉइंट से जीत चुकी है मुकाबला। एंड जो सेकंड मुकाबला था वो केन्या वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेला गया था, जिसमें केन्या को फुल टाइम में 32 पॉइंट्स मिले थे एंड वहीं पे श्रीलंका को फुल टाइम में 35 पॉइंट्स मिले थे। और यहाँ पे 3 पॉइंट से श्रीलंका यह मुकाबला जीत गई, जिसमें आप देख सकते हो कि मैच नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पे दोस्तों जो आज का यानी कि 29 मार्च को भी 2 मुकाबले हैं, एंड जो पहला मुकाबला है वो है पोलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में, एंड जो सेकंड मुकाबला है वो है बांग्लादेश वर्सेस नेपाल के बीच में। उसका रिजल्ट मैं आपको कल बता दूंगा, अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है फिलहाल, लेकिन आता है तो मैं आपको कल वीडियो के थ्रू बता दूंगा। गाइस बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट निकल आता है प्रो कबड्डी के मीडिया राइट्स के ऑक्शन के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे आज है 29 तारीख, अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कम यानी कि सिर्फ 7 दिन बचे, यानी कि अब 1 हफ्ता बचा है प्रो कबड्डी के मीडिया राइट्स के ऑक्शन को लेके। 7 दिन बाद हमें पता चल जाएगी आखिर कौन से चैनल पे हमें प्रो कबड्डी दिखेगा। गाइस बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट दोस्तों आप में से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, तो गाइस यहाँ पे आखिर प्रो कबड्डी का जो रिटेंशन प्रोसेस है वो आखिर कब स्टार्ट होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रो कबड्डी का जब मीडिया राइट्स का ऑक्शन हो जाएगा, देन उसके बाद हमें रिटेंशन प्रोसेस एंड साथ ही साथ ऑक्शन की डेट पता चल जाएगी। मतलब कि 5 अप्रैल, तो हमें 15 अप्रैल तक में भी पता चल जाएगी आखिर रिटेंशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा एंड साथ ही साथ ऑक्शन हमें कब देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी हमें ये सब पता चल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि आज होली है, तो गाइस आप सभी को हैप्पी होली। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे टीम्स ने यहाँ पे रिएक्शन दिया है, रिएक्शन तो नहीं मतलब पोस्टर हैप्पी होली का अपलोड किया है, और साथ ही साथ मैंने भी हैप्पी होली पे पोस्टर अपलोड किया है। आपको कैसा लगा वो पोस्टर आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आपने पोस्ट को लाइक किया कि नहीं किया तो आप जाके जरूर लाइक कर लीजिए। बहुत सारे रिस्पॉन्स आप सभी ने दिया है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले यूम्बा की टीम ने यहाँ पे पोस्टर होली को ऊपर लिया और कहा है कि विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी होली, प्रे रिस्पॉन्सिबली, बी सेफ, वियर अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हैप्पी होली। और साथ ही साथ यहाँ पे यूपी ओदा ने भी पोस्टर अपलोड किया जहाँ पर लिखा कि सोशल डिस्टेंसिंग वाली होली, इस बार जश्न मनाने का सिर्फ तरीका अलग होगा, बाकी उत्साह में तो कोई कमी नहीं होगी, हैप्पी होली एवरीवन। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट ने भी हैप्पी होली का पोस्टर अपलोड किया जहाँ पर लिखा है कि हमारे सभी धाकर फैंस को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने भी अपलोड किया जहाँ पे लिखा है कि मे गॉड गिफ्ट यू ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ, कलर्स ऑफ जॉय, कलर्स ऑफ हैप्पीनेस, कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप, कलर्स ऑफ लव एंड ऑल अदर कलर्स यू वॉन्ट टू पेंट योर लाइफ इन हैप्पी होली। साथ ही दोस्तों यहाँ पे पटना पायरेट्स ने भी अपलोड किया जहाँ पे लिखा है पटना पायरेट्स की ओर से सभी पायरेट वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे प्रो कबड्डी ने भी मतलब कि हैप्पी होली कहा है आप सभी को, और साथ ही साथ लिखा है कि दिस होली डोंट स्टेप ओवर द लाइन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ हैशटैग हैप्पी होली। तो गाइस बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है फजल अतराचली के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे आज फजल अतराचली का बर्थडे है, तो वैसे हैप्पी बर्थडे गाइस। आप सभी को जानते हैं फजल अतराचली बहुत ही ईरानियन कबड्डी प्लेयर है एंड साथ ही साथ बहुत ही फेमस कबड्डी स्टार है, प्रो कबड्डी स्टार है, और आज उनका बर्थडे। तो गाइस कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे फजल अतराचली आप जरूर लिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रो कबड्डी ने एक फोटो अपलोड कर दिया है अजय ठाकुर के रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय ठाकुर ने ये कहा है कि इट्स अ स्पेशल फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ वीवो प्रो कबड्डी लीग सिंस इट्स इंसेप्शन एंड वॉट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ पीकेएल, ऐसा अजय ठाकुर का मानना है। और यहाँ पे लिखा है कि टूडे, टूमोरो एंड फॉर एवर
पर अजय ठाकुर वीवो पीकेएल इज वन ऑफ द एजेस। और यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों पटना पायरेट्स का अपडेट निकल कर आता है। तो गाइस पटना पायरेट्स ने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे लिखा है कि इंडिया के सबसे पहले कप्तान से करेंगे बात आज के पटना #PirateSMC एपिसोड में। और दोस्तों यहाँ जो आपको पूरा एपिसोड देखना है तो पटना पायरेट्स का आपको यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें इंटरव्यू किया है। अगर आपको देखना है तो आप पटना पायरेट्स के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ 700 सब्सक्राइबर और चाहिए हमें 35 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस जरूर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। गुड बाय।